आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं i20 के अंदर हिडन करके जीपीएस, और हम इसको लगाने वाले हैं डोम लाइट में। इसको खोलने का तरीका देख लीजिए, यहाँ से पेचकस डालेंगे, इसकी ये बाहर आ जाएगी डोम लाइट। दो नट हैं, इनको खोल लेंगे। इसको हम इधर से, ये पिन ऐसी है, इधर से उठा लेंगे, ये आ गई बाहर। ये इसके अंदर दो पिन है इस साइड, पेचकस हमने इसमें इस तरीके से लगाया है और ये बाहर। आप इस तरफ से खोलोगे इसको तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा, खुलेगा नहीं ये। जिनको नहीं पता होता उनको बड़ी दिक्कत होती है, मेन काम इसको खोलने का ही है। ये इस तरीके से दबेंगे और ये बाहर आ जाएगा। ये इस तरीके से लॉक होते हैं आपके, इधर से तो आ ही नहीं सकता, ये आएगा भी तो कुछ ना कुछ टूटेगा। अब इसके अंदर ये देख लीजिए तार आ गए, इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेंगे जितना भी पॉसिबल हो सकता है। अब हम इसको जो है ना यहाँ से कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी डोम लाइट कोई भी खोलेगा तो वो इतना बाहर आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से खींचेंगे। और इसके लिए एक मीटर भी ले लेंगे और ब्लैक वाले को नीचे लगाएंगे, रेड वाले को उससे ऊपर लगाएंगे, सबसे ऊपर का खाली छूट जाएगा। और इसको हम 20 पे कर लेंगे, और हमने टेप हटा लिया यहाँ से। और अब हम इसमें चेक करेंगे किस में क्या आ रहा है हमारा। तीन तारे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक। देख लीजिए, इसका रेड हमने रेड में डाला है, इसको ये बॉडी अर्थ है इसका, इसके अंदर बॉडी अर्थ वैसे आता है, इसको हम डालते हैं ब्लैक में। देख लीजिए इसमें वोल्टेज कंप्लीट आ ली है, रेड वाला हमारा डायरेक्ट है। और एक चीज और ध्यान, कुछ गाड़ियों में क्या होता है, गेट खोलते ही आपका इसमें करंट आना शुरू हो जाता है, एक तार में, तीन तारों में से एक तार में गेट खोलने में करंट आना चालू हो जाता है। तो आप गेट बंद करके ये काम करें, कंप्लीटली गेट बंद कर लें अच्छे से, ठीक है, उसके बाद इस काम को करें। वरना क्या होगा, आप जो गेट वाली वायर पे लगा दोगे तो जब भी गेट खुलेंगे ना वो तभी आपका जीपीएस ऑनलाइन आएगा, वरना ऑफलाइन पड़ा रहेगा। ये कंप्लीट वोल्टेज आ रही है, अब मैं ग्रीन में चेक करता हूं। ग्रीन में कुछ नहीं आ रहा है, ये मतलब गेट वाली वायर हमारी। तो रेड में हमारी डायरेक्ट आ रहा है, ब्लैक में हमारा अर्थ आ रहा है। अब ये चीज हमें कंफर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें स्प्लाइस करके कनेक्शन शुरू करते हैं। एक कटर ले लिया हमने, रेड में हमारा डायरेक्ट था, रेड स्प्लाइस कर लेंगे, ब्लैक में हमारा बॉडी अर्थ था, हम इसको स्प्लाइस कर लेंगे। देखो सर, हमें तो वैसे आदत है जीपीएस लगाने की, इसलिए, वरना आप सबसे पहले डायरेक्ट को स्प्लाइस करें और बॉडी अर्थ को स्प्लाइस ना करें, डायरेक्ट स्प्लाइस करें पहले। उसका रीजन ये है कि अगर ये ब्लैक और ये रेड आपस में टच हो गए किसी तरीके से, तो इसमें एक डोम लाइट का फ्यूज होता है, वो उड़ जाएगा आपका, और आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। और फ्यूज जो होता है आपका डोम लाइट का, यहाँ पे होता है नीचे की साइड, दो फ्यूज बॉक्स होते हैं इसमें, एक फ्रंट में, हर गाड़ी में होते हैं, एक फ्रंट में होता है बाहर और एक नीचे होता है, नीचे वाले में इसका फ्यूज मिलता है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टेप करेंगे। ब्लैक वाले को स्प्लाइस नहीं करना अभी, आपको नहीं करना। अब हम ब्लैक वाले को स्प्लाइस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम इसमें ब्लैक बॉडी अर्थ लगा देंगे। अब हम ये बॉडी अर्थ लगा देंगे और यहाँ पे जो है आपका एसीसी का वायर आता नहीं है, मतलब एसीसी होता नहीं है इसमें, डायरेक्ट ही होता है, इसलिए आपको इसके अंदर जो एसीसी होगा आपका व्हाइट, ग्रीन या ऑरेंज कलर का होगा, उसको आपको डायरेक्ट के साथ हमें पहले ही अटैच कर देना है। इसमें मैंने यहीं पे अटैच कर दिया है ताकि ज्यादा मोटा गुच्छा ना बने वहां। और आपका इसमें एक इंजन ऑन ऑफ का होता है, ये देख लीजिए, येलो था, ये मैंने पहले ही कट कर दिया था, इसको मैं जड़ से ही काट देता हूँ क्योंकि इसमें इंजन ऑन ऑफ हमें लगानी है। और अगर आपका चोरी का पर्पस है गाड़ी, अगर आपकी चोरी होने का डर है आपको, तो सर बेस्ट यही है, इंजन ऑन ऑफ वाले के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इंजन ऑन ऑफ करने वाली जो चीज है मोस्टली नहीं है, ज्यादातर आपका स्टेयरिंग के नीचे लगता है, और सबको पता होता है कि स्टेयरिंग के नीचे जीपीएस होता है। इसलिए आपका अगर चोरी का पर्पस है तो आप इसको यहाँ पर लगाएं जीपीएस को, किसी भी गाड़ी में, सब गाड़ियों में डोम लाइट में लग ही जाता है। यहाँ पे बस आपका एक चीज है, आपको जब भी गाड़ी बंद होगी चालू होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसीसी का वायर नहीं लग सकता, इसलिए। अब हमारा ये जीपीएस देख लीजिए, लाइट आ चुकी है इसके अंदर और ये आपका ऑनलाइन आ चुका है। अब हम इसको टेप कर देंगे अच्छे से, टेप हो चुका है। इसके बाद हम एक ये आपका, इसको वेलक्रो बोलते हैं, वेलक्रो ले लेंगे,
हर जीपीएस में जो है ना, इसमें जीपीएस एंटीना होता है वो इसका इस साइड में है, जिस साइड ये नंबरिंग है, तो मैं इस साइड को, नंबरिंग वाली साइड को ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा ताकि इसको जीपीएस अच्छे से फिक्स हो। इसका इसका एक साइड ये हमें ऊपर रखना है तो हम इसको बैक साइड पे लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया, इसको लगा देंगे। ये वैसे वेलक्रो अलग से आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली। वेलक्रो ही लगा सकते हैं या डबल टेप है वो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। डबल टेप में, डबल टेप लगा के इसको अंदर की साइड लगा दी। ये हमारा जीपीएस लग चुका है, देख लीजिए कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देख लीजिए कहीं कोई जीपीएस नहीं दिखाई दे रहा, इससे ज्यादा हिडन नहीं हो सकता। चोरी के पर्पस में ये बेस्ट चीज है। इसको हम वापसी जैसे निकाला था वैसे ही लगा लेंगे। इसको पहले इस तरफ से घुसाएंगे, फिर ऐसे दबा देंगे, इसमें पेच लगा देंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में। और अगर आप इस जीपीएस को खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, आपको सस्ता भी पड़ेगा। और अगर बल्क में परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और मोबाइल नंबर